हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका जेएस नरू का यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप है ना अपनी फोटोज को गूगल पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप गूगल पे अपलोड कर दोगे ना अपनी फोटोज को, उसके बाद में कोई भी आपका नाम है ना सर्च करेगा ना गूगल में, तो आपकी फोटोज आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जितेंद्र नरू का है, और मैं जैसे जितेंद्र नरू का सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरी फोटोज आ जाएगी। यहाँ पे काफी सारी फोटोज आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी भी फोटोज गूगल के अंदर आ जाएगी जैसे कोई नाम सर्च करेगा आपका। तो जैसे कि मैं आपको और भी फोटोज दिखा देता हूँ, मतलब काफी सारी फोटोज है मेरी यहाँ पे जो कि यहाँ पे गूगल पे अपलोड हो रखी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ना गाइस, आप भी है ना अपनी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं गूगल पे। तो किस तरीके से अपलोड करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस पूरा। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है गाइस। सबसे पहले तो जो आप है ना अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, इसको लाइक कर देना है, और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ना कमेंट में जाके एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, नाइस ट्रिक या फिर नाइस वीडियो आपको लिख देना है यहाँ पे और हमें भेज देना है। या फिर कुछ पूछना चाहते हो ना आप, तो वो भी हमसे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि ये फोटोज गूगल के अंदर कैसे आती है और कैसे अपलोड करते हैं फोटोज को, ठीक है। तो देखो भाई गाइज, मैं आपको बता दूं कि गूगल है ना एक सर्च इंजन है, इसके अंदर है ना आप फोटोज अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि यार फोटोज अपलोड नहीं कर सकते तो फोटो आएगी कैसे गूगल पे। देखो, इसका एक तरीका है, जैसे कि मान लीजिए आपके फेसबुक अकाउंट होगा आपका, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बना लो, और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका होगा ही। तो इस तरीके से ना अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट, जैसे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो भी मतलब आपको इंस्टाग्राम जो भी आप है ना यूज करते हो ना सोशल मीडिया अकाउंट, तो उन पे जैसे कि उन पे क्या करना है आपको, अपनी फोटोज को पोस्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि पोस्ट आपको करना कैसे है। तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो अभी जैसे कि मैं एक बता देता हूँ आपको, इंस्टाग्राम ले लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोटो मुझे अपलोड करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी कोई भी, मान लीजिए मैं कोई भी एक फोटो सेलेक्ट करके बता देता हूँ, जैसे कि ये वाली फोटो है एक, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे है ना एक चीज लिखी होगी, राइट ए कैप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपकी फोटोज गूगल के अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना है सबसे पहले हैशटैग, फिर जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम जितेंद्र नरू का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितेंद्र नरू का लिख दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जितेंद्र नरू का लिख दिया, इसके बाद में फिर मैं एट द रेट लगा दूंगा, फिर एट द रेट जितेंद्र नरू का लिख दूंगा यहाँ पे। ये देखिए, जैसे एट द रेट जितेंद्र नरू का, इस तरीके से ना मतलब अलग अलग है ना आपको हैशटैग के साथ में, बिना हैशटैग के जितेंद्र नरू का, हैशटैग जितेंद्र नरू का, जितेंद्र सिंह, इस तरीके से मैं आपको मेरा नाम बता रहा हूँ एक तरीके से। आप है ना जो भी आपका नाम है ना वो आपको लगा देना है इस तरीके से, हैशटैग जो भी आपका नाम है, फिर उसके बाद में एट द रेट लगा के अपना नाम लिख देना है। इस तरीके से गाइज आपको करना क्या है, जैसे कि ट्विटर पे भी इस तरीके से पोस्ट करनी है, फेसबुक पे भी इस तरीके से पोस्ट करनी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, और जो भी जहां जहां भी आप है ना अपनी फोटोज को पोस्ट करते हो ना, तो वहां पे आपको एट द रेट हैशटैग इस तरीके से लगा लगा के अपनी फोटोज को अपलोड करना है। जो भी फोटो अपलोड करो ना आप, वो इसी तरीके से अपलोड करना। उसके बाद में क्या हुआ कि गाइज आपकी जो भी फोटोज है ना आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, या फिर मतलब जहां भी अपलोड कर रहे हो ना, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो वो फोटोज है ना आपकी गूगल के अंदर आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्विटर की, फोटोज और फेसबुक की फोटोज है ना ज्यादातर है ना गूगल पे आती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा नाम है जितेंद्र नरू का, अभी यहाँ पे सर्च किया, तो देखो गाइस यहाँ पे देखोगे ना आप ये फोटो के नीचे, मतलब ये फोटो कहाँ से आई है, तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्विटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, ये नीचे देख सकते हो आप, ट्विटर पे एट द रेट टेक्निकल नरू का, जितेंद्र नरू का, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी जितेंद्र नरू का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने क्या अलग अलग जगह पे ना, ये देखो फेसबुक पर है, फेसबुक पर मैंने जितेंद्र नरू का, टेक्निकल नरू का, इस तरीके से अलग अलग नाम लिख लिख के ना मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से ना गाइस, यदि आप भी है ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल मतलब Google, तो गाइस इस तरीके से ना आप अपलोड करोगे ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बार बार हैशटैग लगा के, @ लगा के, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपकी फोटोज है ना गूगल के अंदर सर्च में आने लग जाएगी। तुरंत नहीं आएगी, लेकिन मतलब 10-15 दिन के बाद में आपको मतलब रेगुलर इसी तरीके से करते रहना है, उसके बाद में आपकी फोटोज भी गूगल के अंदर आ जाएगी। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।